हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लास एट में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह, मैं आज आपको एक पीडियाट्रिक का टॉपिक इस अपर स्कोर के बारे में बताता हूँ। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि अपगार स्कोर जो है किसने दिया था, तो ये दिया था एक साइंटिस्ट का, वर्जीनिया अपगार। वर्जीनिया अपगार ने इसको 1952 में डिस्कवर किया था, तो उसी ने ये अपगार स्कोर दिया था। पूछा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट है या फिर क्वालिटेटिव असेसमेंट है। ये भी एक क्वेश्चन आता है इसका। तो ये जो है जिसमें स्कोरिंग आता है, जिसके अंदर अपने स्कोर यानी कि नंबर से रिलेटेड कुछ असेस करते हैं, तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। अपगार स्कोर क्या है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट के अंदर, इसके अंदर जो है फाइव पैरामीटर्स हैं, फाइव पैरामीटर्स बोल सकते हैं, फाइव क्राइटेरिया इसके अंदर आते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, आया हुआ है, कितने पैरामीटर्स होते हैं अपगार स्कोर के अंदर, तो फाइव पैरामीटर्स होते हैं। और इसकी स्कोरिंग कितनी होती है, अपगार स्कोरिंग की जो स्कोरिंग होती है वो होती है 0 से 10। इसके स्कोर होते हैं 0 से 10 स्कोर होते हैं। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, अब याद करने के लिए ये अपगार वर्ड को ही अपन ले लेते हैं कि ए पी जी ए आर। ए से अपियरेंस होता है, अपियरेंस से रिलेटेड यानी कि अपियरेंस में अपन क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि उसका कलर कैसा है, बच्चे का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, अपियरेंस। पी से हो गया पल्स रेट, पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। जी से है ग्राइमेस, ए से है एक्टिविटी, और आर से है रेस्पिरेटरी इफर्ट। इसके अंदर जो नंबर्स दिए जाते हैं वो है स्कोर 0, 1 और 2। ठीक है, ये इसका एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको स्कोर देते हैं। ये इसके पैरामीटर्स हैं, ये क्राइटेरिया है, और इधर की साइड में ये स्कोर है। अपीयरेंस के अंदर अपन देखते हैं स्किन का कलर, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो उस असेसमेंट में अपन ये अपगार स्कोर असेस करते हैं। ये असेस ये क्या है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। दूसरा, इसके अंदर फाइव पैरामीटर्स हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसके स्कोर कितने होते हैं 0 से 10 इसके स्कोर होते हैं। अपीयरेंस के अंदर क्या होता है कि स्किन का कलर कैसा होता है, तो नॉर्मल कलर कैसा होता है, पूरी बॉडी पिंक कलर की होती है, फुल बॉडी पिंक कलर की यदि है बच्चे की, तो उसमें 2 नंबर अपन देंगे। फुल बॉडी पिंक है तो 2 मार्क्स उसमें देंगे। ठीक है, यदि बॉडी का जो है एक्सट्रीमिटी जो है वो ब्लू कलर की है तो उसमें हम 1 नंबर उसको देंगे। बॉडी तो पिंक है बट एक्सट्रीमिटीज ब्लू है। ठीक है, तो इसमें अपने देंगे 1 नंबर। और यदि इसमें पूरा ही बेबी ब्लू कलर का है या फिर पेल कलर का है तो उसमें देंगे 0 नंबर। पेल कलर का होता है जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है, ब्लू कलर साइनोसिस की उसके अंदर कंडीशन है, तो ब्लू या फिर पेल कलर, ब्लू या पेल कलर है बॉडी का तो उसमें अपन देंगे कैसा, 0 नंबर देंगे। ठीक है, पल्स रेट देखेंगे यानी हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0 देंगे उसके अंदर, स्कोरिंग में देंगे 0। यदि हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो उसमें 2 नंबर देंगे, और 100 से कम है तो उसमें देंगे 1 नंबर। यानी कि मोर देन 100 और लेस देन 100, तो ये
इसके बाद में अपन चेक करेंगे उसके अंदर ग्राइमेज। ग्राइमेज का मतलब है उसके अंदर जो रिफ्लेक्स है, ग्राइमेज मतलब रिफ्लेक्स, उसके अंदर चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्स क्या है, कि कोई रिफ्लेक्स उसके अंदर नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको देंगे अपन जीरो नंबर। यदि रिफ्लेक्स उसके अंदर पुअर है तो एक नंबर देंगे, जबकि उसके अंदर मतलब गुड रिफ्लेक्स है, वेल क्राई है, तो देंगे उसके अंदर दो नंबर। तो वेल क्राई कर रहा है तो दो नंबर देंगे, जबकि उसके अंदर पुअर रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई भी अपने उसको स्टिमुलाई देते हैं, उसके अगेंस्ट में जो एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स उसमें चेक करेंगे। तो उसके अंदर यदि पुअर रिफ्लेक्स है, पुअर रिफ्लेक्स है, तो एक नंबर देंगे, और यदि रिफ्लेक्स उसके अंदर एब्सेंट है तो जीरो नंबर। इसको ग्राइमेस भी बोलते हैं, इस पुअर रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं ग्राइमेस। यानी कि ग्राइमेस का मतलब जैसे ही बच्चे को अपन टच करते हैं तो थोड़ा मुंह बनाता है, उसको बोलते हैं ग्राइमेस। यानी उसके अंदर रिफ्लेक्स कैसा है, पुअर रिफ्लेक्स है। इसके बाद है एक्टिविटी, इसमें मसल स्टोन्स को देखा जाता है। एक्टिविटी में बच्चे के अंदर फुल बॉडी मूवमेंट है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज को वो मूवमेंट करता रहता है। जैसे बच्चे जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद में उसके हैंड और पैर में जो एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट रहता है। यदि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो उसको अपन जीरो में रखेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी उसमें चेक करेंगे। तो यानी कि फुल बॉडी मूवमेंट है, फुल बॉडी मूवमेंट है तो देंगे अपन दो नंबर। और यदि उसके अंदर मूवमेंट क्या है, मतलब पुअर मूवमेंट है या फिर ओनली एक्सट्रीमिटीज का वो मूवमेंट कर पा रहा है, तो वो क्या है, अपने उसमें एक नंबर देंगे, ठीक है। इसके अंदर एब्सेंट है या फिर रिजिडिटी है या फिर प्लेसिड मूवमेंट है। प्लेसिड मतलब है जैसे हैंड को अपन ऐसे ऊपर उठा रहे हैं और वापस वो नीचे गिर जा रहा है, तो उसको प्लेसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, या तो प्लेसिड है और या फिर क्या है, रिजिडिटी है। तो एब्सेंट है उसके अंदर मूवमेंट, या फिर प्लेसिड मूवमेंट है, या फिर कैसा है, रिजिडिटी है, तो उसमें दे रहे हैं अपने जीरो नंबर, ठीक है। फिर है रेस्पिरेटरी पार्ट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे कि बच्चा वेब क्राई कर रहा है, जैसे ज्यादा जैसा क्राई करेगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी पार्ट होगा। क्योंकि सबसे पहले बच्चे के अंदर देखा जाता है कि क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि क्राई कर रहा है तो इसका मतलब है उसका रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, बिल्कुल अच्छा है, यानी कि वेल क्राई है, वेल क्राई। यदि बच्चा वेल क्राई है तो उसको उसका रेस्पिरेटरी पार्ट क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी कितने नंबर दिए जाएंगे उसमें, टू मार्क्स उसका स्कोर रहेगा, टू। और यदि पुअर क्राई कर रहा है, पुअर क्राई है, तो उसका रेस्पिरेटरी पार्ट पुअर रहेगा, उसमें देंगे अपन एक स्कोर रहेगा एक। और यदि उसके अंदर एब्सेंट रेस्पिरेटरी पार्ट है ही नहीं तो उसको क्या रहेगा अपन, जीरो। पुअर क्राई, ठीक है, उसके अंदर पुअर क्राई है या फिर, तो उसको अपन दे रहे हैं रेस्पिरेटरी पार्ट में वन मार्क्स, और इसमें यदि एब्सेंट है तो वो देंगे जीरो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट ये जीरो नहीं है उसके अंदर तो वो मार्क्स देगा आपका जीरो। इसका अभी टोटल स्कोर जो रहता है वो रहता है 10, 0 से 10 इसको स्कोरिंग होती है। इसके साथ साथ ही अपने को जो भी ऐसे स्केल्स है उनको भी अपने इसके साथ साथ याद करना, यानी कि इसके साथ साथ रख लेते हैं तो उससे क्या रहता है कि याद करने में इजी रहता है। जैसे कि जीसीएस है, जीसीएस का स्कोर कितना होता है, जीसीएस का होता है 3 से 15, जीसीएस का 3 से 15 आता है। सिंगल स्केल होता है जिसके पेन के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल स्केल का भी 0 से 10 होता है, ठीक है। इसके अंदर अभी एक क्वेश्चन आता है कि जो इनका जो स्कोरिंग है वो यदि 8 से 10 है तो स्कोर क्या है, गुड है। उसके अंदर जनरल जो भी रूटीन केयर है, रूटीन केयर की देने की ही जरूरत है, उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा अपने को कुछ करना नहीं है, यानी कि रूटीन केयर देना है इसमें,
यदि उसका स्कोर जो है वो है 4 से 7 है, 4 से 7 है, तो उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको करना पड़ेगा, ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि उसका स्कोर है 0 से 3 है, उसका स्कोर है 0 से 3, तो उसके अंदर सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी, सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। अभी रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स के अंदर इसके साथ में जैसे कि बच्चे के अंदर अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पैटर्न भी देखा जाता है, कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न उसके अंदर होता है, तो मोस्टली जो होता है डायफ्रामेटिक रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है। अभी आते हैं अगला स्कोर, जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये अगला स्कोर कब कब किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि कब अपन अगला स्कोर करते हैं, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद हम अगला स्कोर करते हैं, तो एट बर्थ एट फर्स्ट स्कोरिंग करते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर हमें कर लेनी होती है। दूसरा जो होता है 5 मिनट में करते हैं, यदि बच्चे को ज्यादा जरूरत है एक बार स्कोरिंग दोबारा करने की जरूरत है, तो वो है आप 10 मिनट बाद वापस से कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा का हार्ट रेट 100 से कम है, उसके अंदर जो ड्राइनेस है, एक्सट्रीमिटीज का साइनोज है, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो हमने जो टेबल में मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर स्कोर देखेंगे कि कितना स्कोर बनता है। यदि स्कोर उसका बनता है 8 से 10 स्कोर बनता है, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर रूटीन केयर करने की जरूरत है, रूटीन केयर करना है। यदि उसका स्कोर जो बनता है वो बनता है 4 से 7 बनता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, रूटीन केयर के साथ साथ में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। यदि उसका जो स्कोर बनता है वो 0 से 3 बनता है, 0 से 3 बनता है, तो उसके अंदर इमीडिएट सीपीआर की जरूरत होगी, इमीडिएट सीपीआर की जरूरत उसके अंदर होगी। ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये अफगार स्कोर को डिस्कवर किया था, वर्जीनिया अफगार ने इसको डिस्कवर किया था। इसका असेसमेंट जो होता है कौन सा होता है, ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। यदि क्वेश्चन आया हुआ है तो ये क्या कौन सा असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या चेक करते हैं अफगार स्कोर में, फर्स्ट क्या चेक करते हैं, तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट क्या चेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी इफर्ट यानी कि रेस्पिरेशन है या नहीं है, सबसे पहले हम ये चीज इसके अंदर देखते हैं। दूसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि अफगार स्कोर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया या मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसका है हार्ट रेट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।